बेवकूफ बनाया, धोखा दिया, तो क्या ये लव जिहाद का भी मामला लग रहा है आपको? मतलब धोखा तो दे दिया, मतलब इनको सजा मिलनी चाहिए, कौन से साइड से सजा होनी है, लेकिन उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी मतलब इसके बारे में जरूर विचार करेगा। और ये मतलब एक नौजवान लड़की थी और इनकी जिंदगी में मतलब भविष्य में उनको बहुत बड़ा मौका था फिल्म में काम करने का और भी बड़ा बनने का, लेकिन 3 महीने के बेचैन में मतलब ऐसा इतना हादसा हुआ है। और उनको मतलब इन्होंने धोखा ना नहीं देना चाहिए था, अगर दूसरी लड़की के साथ उनका प्यार था तो इनको धोखा देने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया कि उससे ही मतलब रुदी जाने आत्महत्या की है, उसके लिए विजान जिम्मेदार है और उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। आराम से, शांति, अरे पेशेंस रखो सर, छोड़ दे सर, आराम से सर। ये बताइए, आपकी मुलाकात हुई विशाल की माता जी से, मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा, किस तरह से उनकी बेटी दुख में थी, तनाव में थी, क्या सीजान की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी? तो मतलब उनके माता जी से पूरी बात हमारी हुई, आधा घंटा तक उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब वो बहुत बड़ा दुख जताया है। और जो शीजान है, शीजान खान है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और शीजान को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे, उसकी जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी, मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया, वो घर बुलाते थे, उनकी माता जी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब रुपी शाह को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया, लेकिन अभी फैमिली पूरी बेसहारा हो गई है। अभी मैंने उज्जवल निकम से बात की है और उन्होंने ये केस में मतलब उज्जवल निकम को लाने की आवश्यकता, जांच करने की बात, हिजाब पहनने की बात कही है परिवार की तरफ से। उर्दू भाषा सर, एक सेकंड, उर्दू भाषा जो है वो सिखाई जा रही थी तुनिशा को, परिवार ने बात कहा है, हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता था, ये क्या ये लव जिहाद नहीं है? नहीं, हिसाब के बारे में तो मुझे नहीं बताया, लेकिन वो उर्दू उनको सिखाया था या उर्दू बोलती थी ऐसा माता जी ने हमको बताया है कि जो भी मामला हो, मामला सीरियस है, मामला बहुत बड़ा गंभीर है, एक लड़की की जो जान चली गई है और जिसके कारण जान चली गई है उनको जो सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लड़का जो है वो ड्रग्स लेता था, ये सब बात हुई क्या सर? मैं भी ड्रग लेता था ये तो बात हुई नहीं, लेकिन वो घर को बुलाते थे और माता जी भी उनके माता जी के साथ बात होती थी। वो 3 महीने से लगातार उनको ऐसा ट्रैप किया था कि वो मतलब एकदम उसके इसमें प्रेम में फंसी हुई थी और एकदम फैमिली उनको एकदम मतलब ब्लैकमेल कर रही थी, तो ये उन्होंने माता जी ने तो बताया है। लेकिन जो भी है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, बहुत बड़ा सीरियस मामला है और ऐसे केस में ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर